चीफ जस्टिस छा गए। इंतखाबात केस पर हंगामी फैसला, बड़े बड़े फैसलों से मुतालिक सब बता दिया। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सब बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मच गई, काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस में क्या कहा, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया है। नए अदालती साल के मौके पर सहाफी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आइए। चीफ जस्टिस ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि एक मीटिंग के दौरान ये बात हुई थी जिसमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अटारनी जनरल मौजूद थे, लेकिन राणा सनाउल्लाह नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मीटिंग में वजीर कानून ने कहा है कि हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रही है, जिस पर मैंने कहा कि बाकियों की कर दें लेकिन मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। इससे कबल फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस सबसे पहले फुल कोर्ट बुलाने का काम ही किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि आज उन्हें भी इल्म नहीं होता उनके दाएं बाएं बैठे जज क्या फैसला देंगे। उन्होंने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आज जायजा लें, क्या आज भी वो बेंच की तश्कील से फैसले का अंदाजा कर लेते हैं, अगर अब ऐसा नहीं है तो मान लें शफाफियत आई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि इंतखाबात केस का फैसला 12 दिन में दिया और इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान ट्रेंड।